और अभी आपको बताएं, कोटा में पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन का 23वां इजलास अख्ताम पजीर हो गया है। इजलास के मुश्तरक एलामे में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान बेहतरीन हमसाया ममालिक हैं और मुश्किलात में हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कोयटा के मकामी होटल में पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की कयादत चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर और ईरानी वफ्द की सरबराही डिप्टी गवर्नर सिस्तान बलोचिस्तान मोहम्मद हादी मुर्शा ने की है। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को तिजारती और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देने की भी जरूरत है, जिससे मकामी लोग और कारोबारी तबके की मुआशी हालत मुस्तहकम होगी और कारोबार के नए मौके भी मुयस्सर होंगे। पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम ने इजलास के फैसलों पर अमल दरामद पर जोर देते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि बाहमी इत्तेफाक से दोनों ममालिक के अवाम को एक पुरअमन फजा फराहम करेंगे। उनका कहना था कि दोनों बरादर इस्लामी ममालिक भाइयों की तरह है और मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है और एक दूसरे के साथ तआवुन का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। पाक ईरान ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन ने इजलास के आखिर में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और डिप्टी गवर्नर सिस्तान बलोचिस्तान ने इजलास के मुश्तरक एलामे पर दस्तखत